गाय और लोमड़ी की दोस्ती। एक दिन एक गाय खाने की तलाश में घूम रही थी। वो बहुत जल्द माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता था। उसे बहुत भूख लगा करती थी। बहुत जल्द मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और फिर वो हंसेगा, खेलेगा, जंगल की सैर करेगा। बता क्या खाएगा मेरे बच्चे? उसका आज कुछ बहुत अच्छा फल खाने का जी कर रहा था। तभी वो जंगल के ऐसे स्थान पर पहुंची जहां बहुत सारे फलदार वृक्ष थे, मगर इस बात से अनजान थी कि वहीं पर बब्बर शेर किसी शिकार की तलाश में घूम रहा है। बब्बर शेर जैसे ही गाय को देखता है तो सोचता है, अरे वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिला है, मगर मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? ये तो माँ बनने वाली है, मुझ पर पाप चढ़ जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ। थोड़ी देर बाद राजा शेर की सहायक लोमड़ी वहाँ आ जाती है। बिल्कुल सही सोचा है आपने राजा शेर, एक गर्भवती गाय को खाने से आपके सर पर पाप चढ़ सकता है, मगर शायद बहुत जल्द आप इसे खा सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत जल्द बच्चा होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए, वो तड़फ रही है, हो सकता है उसका बच्चा अभी हो जाए। अरे वाह, तब तो दो दो शिकार, मैं खा जाऊंगा गाय को भी और उसके बछड़े को भी, क्यों लोमड़ी क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक कहा राजा जी, मगर अभी आपको यहाँ से थोड़ा बाहर जाना चाहिए, जब तक बच्चा नहीं हो जाता आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। लोमड़ी बहुत समझदार थी, वो अपनी बातों में उलझा कर राजा शेर को गाय से दूर करना चाहती थी। जैसे ही गाय बच्चा देती है, लोमड़ी उस बच्चे को लेकर और गाय को सारी बात समझा कर वहाँ से बहुत दूर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब राजा वापस उसी जगह पर आता है तो देखता है कि ना तो वहाँ पर गाय है, ना बछड़ा और ना ही लोमड़ी। और उधर लोमड़ी गाय से कहती है, आज मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मदद की है, अपने बछड़े को देखो और उसका ख्याल रखना, मैं राजा शेर को किसी नई बात में फंसा कर तुम्हारी कहानी सुना दूंगी। गाय लोमड़ी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। अकेली पत्नी गाय। सोना नाम का बैल अपनी पत्नी मोती के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके दो छोटे छोटे बछड़े भी थे, गंगा और जमुना। सभी बहुत प्यार से और सुकून के साथ उस गांव में रहा करते थे। एक दिन मोती सोना से कहती है, आजकल काम बहुत कम हो गया है, आप कोई नया व्यापार शुरू क्यों नहीं कर लेते हैं? सोना मोती से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना इस गांव से दूसरे गांव तक ले जाने वाला सामान का ही काम ले लूं, ये व्यापार अच्छा रहेगा। सोना के ऐसे कहने पर मोती कहती है, मगर आप तो जानते हैं जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना होगा और वहाँ पर लुटेरे आपको लूट लेंगे, अगर आपको लूटेंगे तो ग्राहक का सामान भी लूट जाएगा, फिर आप क्या वापस करेंगे, कौन सा सामान लेकर जाएंगे ग्राहक के पास, और पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात भी याद रखना। मैं जानता हूँ मोती, मगर इस तरह डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे काम पर जाने दो, चार पैसों की बहुत जरूरत है, अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? सोना की बात मोती मान जाती है। सोना काम पर चला जाता है। अब हर रोज वो एक गांव से दूसरे गांव तक सामान ढोने का काम करता है। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा बढ़ने लगता है, मगर जब इस बात की खबर पुराने कहने को चलती है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। आप लोग मुझे क्यों घेर कर खड़े हो गए, चाहते क्या हो? दुश्मन बैल सोना बैल से कहता है, हाँ तू हमारा काम छीन रहा है, तुझे तो हम छोड़ने वाले नहीं। और इतना कहते ही दुश्मन बने हुए सारे बैल सोना की खूब पिटाई करने लगते हैं। सोना खून से लथपथ हो जाता है और अपना दम तोड़ देता है। वहाँ सोना की पत्नी मोती उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मगर सोना लौट कर ही नहीं आया। मोती बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर अकेला छोड़कर सोना की तलाश में निकल पड़ती है।
उसे रास्ते में सोना घायल और मरी हुई अवस्था में मिलता है। ये क्या हो गया आपके साथ? लगता है दुश्मन बैलों ने आप पर आक्रमण किया है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, ये काम मत करो। आपने अपनी जान दे दी, अपनी जान से हाथ धो बैठे आप। मोती बहुत रोती है। जैसे तैसे लकड़ियां जुटाकर मोती वहीं पर सोना का अंतिम संस्कार कर देती है और घर लौटकर अपने बच्चों के पास आकर कहती है, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता। जो भी हो, मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी, मगर बदले का मतलब ये नहीं कि मैं उन बैलों की जान ले लूंगी। मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपना घर दोबारा से ठीक करूंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी। भूमिगत जादुई गुप्त गुफा और लंबी गर्दन वाला शेर। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था, मगर पूरी जनता उससे घबराने की बजाय उससे हमेशा मजाक किया करती थी। और इस बात का जंगल के शेर राजा को बहुत बुरा लगा करता था। वो चाहता था कि पूरा जंगल उससे थर थर कांपे, हर कोई उससे डरे। एक दिन जंगल का राजा शेर टहलते टहलते काफी दूर तक निकल गया। उसे एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का मन हुआ। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। अभी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुप्त गुफा में जा पहुंचा। गुफा एकदम सुनहरे रंग की थी। हर जगह से हीरे मोती जवाहरात दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, आज घूमते घूमते ये सुनहरे रंग की गुफा जो देखने को मिल गई, ये तो मजा आ गया। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत गुफा नहीं देखी। लगता है ये कोई आम गुफा नहीं, बल्कि बहुत खास गुफा है। अभी राजा शेर अपने आप से बातें कर ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा शीशा आ जाता है। जैसे ही राजा शेर अपना चेहरा उसमें देखता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। अरे ये क्या, अरे अरे मेरी, अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? राजा शेर पूरी गुफा का चक्कर लगाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब इतनी बड़ी लंबी गर्दन लेकर वापस घर कैसे जाऊँ? फिर उसके मन में एक उपाय आता है। ये अच्छा तरीका है, अब तो मुझसे हर कोई डरेगा। मैं कोई साधारण सा शेर नहीं, लंबी गर्दन वाला हूँ। अब तो वापस जाकर सबको डराऊंगा। राजा शेर वापस अपने घर जाता है और लोग उसे देख देख कर डरने लगते हैं। अब पूरा जंगल उसका मजाक नहीं बल्कि उसके डर से थर थर कांप रहा था। राजा शेर बहुत खुश था, मगर शाम होते होते धीरे धीरे उसकी गर्दन छोटी होनी शुरू हो जाती थी। इस बात का पता जंगल के जानवरों को ना पता लगे, इसीलिए वो चुपचाप शाम होने से पहले पहले अपनी गुफा में वापस लौट जाता था। एक दिन राजा शेर का फिर से दिल हुआ कि वो सुनहरी गुफा में वापस जाए। अभी वो रास्ते में ही था कि उल्लू ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। राजा शेर कहाँ जा रहे हैं? अपनी लंबी सी गर्दन लिए, देखता हूँ। उल्लू उनका पीछा करता है। राजा शेर सुनहरी गुफा में जाता है। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ देखता है, फिर से उसकी लंबी गर्दन और लंबी हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू सारी बात समझ जाता है और वहीं खड़े खड़े राजा शेर से कहता है, तो राजा शेर आपको क्या लगता है, इस आईने में देखकर केवल आप अपनी लंबी गर्दन कर सकते हैं? आप भूल गए मैं भी यहाँ हूँ, जरा पीछे मुड़कर देखिए। इतनी देर में उल्लू सामने आ जाता है और जैसे ही वो शीशे में देखता है, उल्लू की गर्दन भी लंबी हो जाती है। राजा शेर उल्लू को समझाता है, देखो देखो ये बात किसी को मत कहना। नहीं बताऊंगा, मगर आप ये अत्याचार बंद करिए, डराने की जरूरत ही क्या है, प्यार से भी तो रहा जा सकता है महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दूंगा और जंगल के किसी जानवर को नहीं डराऊंगा। अब चलो वापस चलो मेरे साथ। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ से अपना मुंह हटाता है, उसकी गर्दन फिर से वापस सही हो जाती है और दोनों उल्लू और शेर जाकर जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं।
नकली सफेद भालू और रंगीन शेर का लुटेरों पर कहर। जंगल में अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कई सारे पेड़ काटने लगते हैं और अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भी ये लुटेरे लूट रहे थे। ये बात जब रंगीन शेर को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने की सोच लेता है। तभी वहाँ बैठा कौवा राजा शेर से कहता है, महाराज ये सारी बातें तो आपकी मुझे समझ में आ गई कि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, मगर जरा ये तो सोचिए आखिर वो हमसे डरेंगे क्यों? वो पहले ही जानते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं। अगर उन्हें आपसे डर होता तो वो ये सब करते ही नहीं। आपको अपने साथ कोई देवीय शक्ति या कोई चालाक चीज लेकर जानी चाहिए जिसे देखकर ही वो भाग जाए और आपके सर पर किसी को मारने का दोष भी ना लगे। महाराज आप भूल रहे हैं, पंडित ने आपको कहा था कुछ समय के लिए आपको कोई मृत्यु नहीं करनी है। राजा शेर को पंडित की कही हुई बात भूल चुकी थी। राजा को अब कौवे ने याद दिला दिया था, इसीलिए वो कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बात याद दिला दी, मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राजा शेर बहुत सोचता है। तब वो अपने दोस्त की उपहार में दी हुई एक सफेद रंग की खाल को लेकर बाहर आता है। गुफा से बाहर आकर राजा शेर भालू से कहता है, देखो भालू ये सफेद रंग की खाल पहन लो, तुम भी मेरी तरह रंगीन हो। जब हम आक्रमण करने के लिए उन लुटेरों के पास पहुंचेंगे तो इस तरह का सफेद भालू देखकर वो जरूर कांप उठेंगे, क्योंकि इस तरह के भालू हमारे देश में होते ही नहीं हैं। पहली बार इस तरह का भालू देखकर उनकी हालत जरूर खराब होगी और वो बिना युद्ध किए ही भाग जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। भालू राजा की बात मानकर वो सफेद खाल पहन लेता है। रंगीन शेर और सफेद भालू पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बस राजा शेर यही दुआ कर रहा था कि उसे किसी को मारने का मौका ना मिले और सब कुछ आराम से हो जाए। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लुटेरे जैसे ही भालू और राजा शेर को देखते हैं, राजा शेर सिर्फ दहाड़ता है और भालू भागता हुआ लुटेरों के पास पहुँचता है। सारा सामान छोड़कर लुटेरे तुरंत भाग जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो इस तरह चतुराई के साथ सफेद भालू की मदद से रंगीन शेर कामयाब हो जाता है। इसी के साथ राजा शेर बहुत ज्यादा शुक्रिया कौवे का भी करता है और कहता है, कौवे तुमने मेरी बहुत मदद की है। यूं तो ये सारा प्लान मेरा था, मगर याद दिलाने की ये खूबी तो तुम में ही है, वरना मैं तो उन्हें कब का मार देता क्योंकि गुस्से में जो था। इस तरह सारे जंगल में खुशियां छा जाती हैं और राजा शेर अपनी गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है।